बहुत से लोगों के साथ अक्सर ऐसा होता है कि कोई भी सामान, कोई भी चीज़ एक जगह पर रखी और दूसरे ही पल भूल जाते हैं कि वो सामान कहाँ पर रखा है। याददाश्त बहुत कमज़ोर होती है। कोई भी काम करने की कोशिश करते हैं तो एक जगह फोकस नहीं कर पाते, उनका कॉन्सेंट्रेशन जो है बहुत ही ज़्यादा पुअर रहता है। इसके अलावा एग्ज़ाम के टाइम पर स्टूडेंट्स को कुछ भी चीज़ याद करने में बड़ी दिक्कत आती है। साथ ही अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं जिनको ओवरथिंकिंग की समस्या है, यानी कि अननेसेसरी के बहुत सी चीज़ें दिमाग में चलती रहती है, कुछ भी काम में आप फोकस नहीं कर पाते हैं, साथ ही ओवरथिंकिंग की वजह से किसी भी काम को टालने की समस्या बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो आज की वीडियो डेफिनेटली आपके लिए है। मैं आज की वीडियो में आपको 3 ऐसे योग आसनों के अभ्यास बताऊंगी जिनसे आपका फोकस बढ़ेगा, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, साथ ही इससे आपके ब्रेन की कार्यक्षमता इम्प्रूव होगी, आपकी मेमोरी इन्हांस होगी। तो चलिए सीखते हैं इन सारे अभ्यासों को स्टेप बाय स्टेप, और हर एक अभ्यास में मैं कुछ कुछ मॉडिफिकेशन भी करके बताऊंगी ताकि सभी लोग इसका अभ्यास कर लें। आपको वीडियो को अंत तक देखना है ताकि आप कोई भी जानकारी मिस ना करें, और वीडियो को अंत तक देखेंगे ही तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी का निशान दबा लेंगे तो मैं जो भी वीडियोस डालूंगी उसके नोटिफिकेशन आपके मोबाइल और लैपटॉप पे आसानी से मिल जाया करेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं शहीदा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल योगा विद शहीदा में। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? तो सबसे पहले हम जिस आसन का अभ्यास करेंगे इसका नाम है वृक्षासन या ट्री पोज। इसका अभ्यास बहुत सिंपल तरीके से करेंगे। अपने दोनों पैर के एड़ियों और अंगूठों को एक दूसरे के साथ इस तरीके से जोड़ लेंगे, दोनों हाथों को बॉडी के साइड में रखेंगे और अपनी गेज को, अपनी नज़र को फिक्स करेंगे आई लेवल पर। ना तो नीचे देखेंगे, ना ही ऊपर देखेंगे, ना दाएं ना बाएं, सामने देखेंगे। और फिर उसके बाद अपने दाहिने पैर को घुटने से मोड़ा और इस तरीके से होल्ड करके रखेंगे पहले, और देखेंगे कि स्टेबिलिटी कितनी अच्छी है। फिर उसके बाद अपने राइट पैर को आपने घुटने से मोड़ा, और घुटने से मोड़ने के बाद अपने राइट पैर के तलवे को, राइट फुट को लेफ्ट थाई पर इस तरीके से रख दिया, ऐसे ऐसे इस तरीके से। और फिर उसके बाद धीरे से दोनों हाथों को अपनी छाती के सामने ऐसे जोड़ लिया, और सामने एक पॉइंट पर देखते हुए नॉर्मल ब्रीदिंग करते हुए होल्ड करेंगे पॉस्चर को और ब्रीदिंग करते रहेंगे 5 4 3 2 1, और फिर धीरे से पॉस्चर को रिलीज कर देंगे। जब आपकी बॉडी का बैलेंस एक पैर पर आप कर रहे थे तो इससे आपके लेफ्ट पैर की मजबूती बढ़ गई, क्योंकि बैलेंस बनाने के लिए पैर तो मशक्कत कर रहा था ना। फिर उसके बाद यही अभ्यास आप अपने लेफ्ट पैर से दोहराएंगे, लेफ्ट पैर को घुटने से मोड़ा और फिर उसके बाद लेफ्ट पैर के तलवे को राइट थाई पर रखा, और फिर उसके बाद सामने एक ही पॉइंट पर देखते हुए अपने दोनों हाथ की हथेलियों को एक दूसरे के साथ जोड़ेंगे और सामने देखेंगे। अब राइट पैर पर बैलेंस कर रहे हैं तो फोकस बिल्कुल सामने कर रहे हैं, तो राइट पैर का मजबूती जो है बढ़ेगा 5 4 3 2 1, और फिर धीरे से इसको रिलीज कर देंगे। तो आपने देखा राइट पैर और लेफ्ट पैर पर कितनी अच्छी तरीके से मजबूती आ गई। अब थोड़ी मैं बारीकियां बताऊंगी कि आपको क्या ध्यान रखना है जब आप वृक्षासन का अभ्यास करें। जब आप वृक्षासन का अभ्यास करते हैं तो इट इज़ रियली रियली इम्पॉर्टेंट कि आप जब बैलेंस कर रहे हो तो आपका जब राइट पैर को आपने इस तरीके से घुटने से मोड़ा इस तरीके से ऐसे, तो राइट एड़ी जो है आपकी इनर थाई, लेफ्ट इनर थाई के पास आ गई इस तरीके से, और ऐसा ना हो कि घुटना आपका आगे की तरफ इस तरीके से हो। घुटने को आपको पुश करना है पीछे की तरफ, नी को पीछे की तरफ पुश करना है ताकि आपका पैर जो है वो एकदम सीधा हो, ऐसा ना हो कि आगे हो ऐसे, तो इसको पुश करना है पीछे की तरफ। और बहुत बार लोग क्या करते हैं, पैर का तलवा जो है ना उसको इस तरीके से ऐसे क्रॉस कर लेते हैं, तो ऐसे क्रॉस भी ना हो, एग्जैक्टली आपकी एड़ी जो है आपकी बॉडी की तरफ हो और टो जो है
वो नीचे फ्लोर की तरफ हो, तो इस तरीके से, ऐसे ऐसे। और अगर आपको लग रहा है कि बैलेंस बनाने में आपको दिक्कत आ रही है, तो व्हाट यू कैन डू इज टेक द वॉल सपोर्ट, ठीक है, इस तरीके से वॉल का सपोर्ट ले लेंगे और उसके बाद अपने पैरों पर, एक पैर पर बैलेंस करेंगे इस तरीके से, ऐसे। दोस्तों, अगर आप मेरी निगरानी में रह के योग का अभ्यास करना चाहते हैं तो आप सभी का स्वागत है मेरे द्वारा संचालित की जाने वाली ऑनलाइन योगा क्लासेस में। इन ऑनलाइन योगा क्लासेस को आप जूम के माध्यम से ज्वाइन करके अपने घर के ही कंफर्ट जोन में बस एक घंटे का समय निकालना है और हम सीखेंगे अलग अलग तरीके के आसन, प्राणायाम, ध्यान कैसे करते हैं, रिलैक्सेशन करवाऊंगी और साथ ही आपके शरीर की साफ सफाई करने के लिए क्लींजिंग भी करवाऊंगी। आप सोच रहे होंगे कि ये क्लासेस कौन ज्वाइन कर सकता है? कोई भी, अगर आप मेल हैं, फीमेल हैं, अगर आप बिगनर हैं, ऑलरेडी योग का अभ्यास कर रहे हैं, या कि फिर आपको किसी भी तरीके की हेल्थ कंडीशन है, जैसे थायराइड, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर, अत्यधिक मानसिक तनाव होना, PCOD, PCOS की समस्या, रात में नींद नहीं आती, या कि फिर आप वेट लॉस या वेट गेन करना चाहते हैं, या बॉडी की स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबिलिटी इम्प्रूव करना चाहते हैं, ये क्लासेस हाईली रिकमेंड करती हूँ आपको, क्योंकि मेरे जो एग्जिस्टिंग स्टूडेंट हैं, मेरे निगरानी में रह के योग का अभ्यास करते हैं, उनको इन हेल्थ कंडीशन से उबरने में बहुत मदद मिली है। अगर किसी कारण से आप ये ऑनलाइन योगा क्लासेस जूम के माध्यम से नहीं ज्वाइन कर पाते एक स्पेसिफिक टाइम पे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने कुछ बिगनर्स के लिए ऐसे कोर्स डिज़ाइन किए हैं जिनको आप परचेज करते हैं तो आपको इमीडिएटली एक्सेस मिल जाता है उस कोर्स का। ये भी एक घंटे के रिकॉर्डेड सेशंस हैं और ये वीडियोस एक्सक्लूसिव मेरी वेबसाइट पर अवेलेबल हैं, कहीं भी यूट्यूब पे आपको नहीं मिलेगी। कम्प्लीटली बिगनर फ्रेंडली है। एक घंटे की क्लासेस में आप आसन सीखते हैं, प्राणायाम सीखते हैं, ध्यान कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें मैं स्टेप बाय स्टेप सिखाती हूँ। अगर आप जानना चाहते हैं कि जूम क्लासेस और कोर्स के बारे में और जानकारी कहाँ से मिलेगी, तो मैंने यहाँ पर अपनी वेबसाइट शेयर की है जो कि है www.yogawithshahida.com, या कि फिर मैंने यहाँ पर ये व्हाट्सएप नंबर शेयर किया है। आप इस व्हाट्सएप नंबर पर एक व्हाट्सएप कर देते हैं ना, तो आपको क्लास के बारे में सारी जानकारी भेज दी जाएगी। जाइए चेकआउट कीजिए। कुछ दिनों तक जब आपका अभ्यास इस तरीके से हो जाए छाती के सामने हाथ रखने का, तो आप क्या कर सकते हैं कि आप आपके दोनों हाथों को सर के ऊपर एक दूसरे के साथ जोड़ सकते हैं। अपने दोनों हाथों को इस तरीके से उठाया 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 और सर के ऊपर इस तरीके से जोड़ सकते हैं, ऐसे इस तरीके से होल्ड करें और फिर उसके बाद रिलीज कर दें। अगर आपने इसका अभ्यास निरंतर करना शुरू कर दिया तो आप खुद महसूस करेंगे कि पैरों पर कितनी अच्छी मजबूती आ गई। अब ये एक आसन का अभ्यास कर लिया है। हाँ, बहुत बार ऐसा होता है कि एड़ी को इतना ऊपर उठाना बहुत मुश्किल होता है बहुत से लोगों के लिए, घुटने में दर्द होगा या तो फिर इतना ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है पैर में। सो व्हाट यू कैन डू इज अपने राइट फुट को अपने नी और एंकल के बीच में रखेंगे, यहाँ पर रखेंगे, ठीक है, यहाँ पर। तो आप क्या करेंगे, राइट फुट को उठाया और इस तरीके से आपने एग्जैक्टली लेफ्ट काफ जो है ना वहाँ पर रख लिया, और अगर घुटना ऐसे आगे है आपका तो इसको पीछे की तरफ ऐसे पुश करेंगे और दोनों हथेलियों को छाती के सामने जोड़ लेंगे। 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 30 सेकेंड, जितना आप होल्ड कर सकते हैं होल्ड करें। जब एक पैर से ये अभ्यास हो जाए तो आपको यही अभ्यास दूसरे पैर से करना है। इस तरीके से काफ के ऊपर रखा अपने दूसरे पैर को और फिर उसके बाद दोनों हाथों को छाती के ऊपर, छाती के सामने इस तरीके से ऐसे जोड़ लिया। और इस पोस्चर को दोनों साइड अभ्यास करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये अभ्यास कर लिया है, अब बढ़ते हैं अगले अभ्यास की तरफ जिसका नाम है भगीरथ आसन। का ऐसा कहा जाता है कि जो ऋषि भगीरथ थे उन्होंने इस आसन में तपस्या की थी, उनके नाम पर ही इस आसन का नाम पड़ गया। तो ये भी कुछ वृक्षासन की तरह ही है। तो किस तरीके से अभ्यास करेंगे देखें। अब बॉडी का वेट हमने लेफ्ट पैर पर शिफ्ट कर दिया है, राइट पैर को घुटने से मोड़ा इस तरीके से और राइट पैर के तलवे को उठाया और इसको अपने लेफ्ट थाई के सामने की तरफ, वृक्षासन में अंदर की तरफ रख रहे थे और यहाँ पर अपनी पैर के तलवे को इस तरीके से घुमाया और लेफ्ट थाई के ऊपर इस तरीके से रख दिया और दोनों हथेलियों को छाती के सामने जोड़ दिया।
होल्ड करेंगे, 5, 4, 3, 2, 1 और फिर उसके बाद रिलीज कर देंगे। यही सेम अभ्यास राइट की तरफ से रिपीट करने के बाद अब लेफ्ट साइड भी इसको करेंगे। अपने लेफ्ट पैर को पकड़ा और फिर उसके बाद आपकी जो एग्जैक्टली थाई जहां से शुरुआत हो रही है वहां पर इसको इस तरीके से रखा और प्रेस कर रहे हैं, पैर को प्रेस कर रहे हैं और दोनों हथेलियों को छाती के सामने इस तरीके से जोड़ लेंगे और होल्ड करेंगे पॉस्चर को, 5, 4, 3, 2 एंड 1 और फिर रिलीज कर देंगे। तो इस पांच पॉस्चर को 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 30 सेकेंड आपकी जितनी क्षमता हो करें। अगर बिना सपोर्ट के अभ्यास नहीं कर सकते हैं तो आप वॉल का सपोर्ट लेके अभ्यास कर सकते हैं। और अगर ऐसा हो कि भगीरथ आसन का अभ्यास करते वक्त आप इतना ऊपर पैरों को ना उठा पाएं, इस तरीके से ना उठा पाएं, तो आप क्या कर सकते हैं कि सिंपली अपने घुटने के एग्जैक्टली नीचे इस तरीके से अपने पैर को रख के दोनों हाथों को या तो छाती के सामने या सर के ऊपर भी इस तरीके से ऐसे जोड़ सकते हैं इस तरीके से। और एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी आप पैरों को इस तरीके से रखें तो बहुत बार टेंडेंसी क्या होती है ना कि हम घुटने पर पैरों को रख लेते हैं। चाहे आप वृक्षासन का जब आप अभ्यास कर रहे हैं तो वृक्षासन करते वक्त भी अपने पैर को घुटने के ऊपर नहीं रखना है, और साथ ही जब भगीरथ आसन का अभ्यास करते हैं तो भी घुटनों पर पैर को आपको नहीं रखना है, क्योंकि इससे क्या होगा कि ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम आपके घुटने पर दबाव पड़ेगा, प्रेशर पड़ेगा और ये चीज़ हम करना नहीं चाहते हैं। तो या तो फिर आप वृक्षासन में अपने घुटने के ऊपर पैर रखें या काफ के ऊपर पैर रखें, और भगीरथ आसन में अपनी थाई के ऊपर पैर रखें या कि फिर घुटनों के नीचे इस तरीके से पैर रखें। तो इस चीज़ का बहुत विशेष ध्यान रखना है आपको। अब हम अभ्यास करेंगे तीसरे आसन का जिसका नाम है वीरभद्र आसन 3। जैसा नाम से ही पता चल रहा है कि इस आसन का अभ्यास अगर आप निरंतर करते रहते हैं तो आपके शरीर में योद्धा के समान मजबूती आएगी, योद्धा के समान, वीर के समान फोकस और कॉन्सेंट्रेशन डेवलप होगा, और साथ ही इसका अभ्यास करने से मानसिक जो मजबूती है वो भी बढ़ती है। तो किस तरीके से करेंगे वीरभद्र आसन का अभ्यास? इस तरीके से दोनों पैर की एड़ियों को और अंगूठों को जोड़ लिया है इस तरीके से ऐसे, और फिर उसके बाद अपने नज़रों को फिक्स करें, गेज को फिक्स करें एक एक पॉइंट पर, नीचे ऊपर दाएं बाएं कहीं नहीं देखना है, सिर्फ सामने देखना है आपको, और फिर धीरे धीरे अपनी बॉडी का वेट ऐसे सामने की तरफ, अपर बॉडी नीचे की तरफ जाएगी और लोअर बॉडी धीरे 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 इस तरीके से उठेगी, और फिर उसके बाद धीरे से आपको दोनों हाथों को इस तरीके से स्ट्रेच करना है और एक टी बन जाएगा आपकी बॉडी का ऐसे, इस तरीके से ऐसे ऐसे, और फिर रिलीज कर देना है। अगर ये अभ्यास करने में आपको दिक्कत आए तो आप वॉल का सपोर्ट लेके अभ्यास कर सकते हैं। इसी अभ्यास को दूसरी तरफ करेंगे, सांस लेंगे और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे सामने ही देखेंगे, नीचे मत देखिएगा, धीरे 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 इस तरीके से हाथ को भी फैलाएं और पीछे से पैर को भी फैलाएं ऐसे, टी बन जाए इस तरीके से ऐसे। अगर आपका ऐसा बैलेंस ना बन पाए तो आप एक हाथ से ऐसे दीवार का सहारा ले लें और फिर धीरे 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 सामने की तरफ झुकते जाएं, झुकते जाएं, झुकते जाएं, झुकते जाएं, और हाथ को आगे की तरफ खींचते रहें ऐसे, एक हाथ से दीवार का सहारा ले लिया है ऐसे, तो जब तक आपकी बॉडी का टी बने आपको ये पॉस्चर का अभ्यास करते रहना है। ये मेरे पास एक रॉड है जो आपको समझने में ये मदद करेगी कि आप वीरभद्र आसन में गलती ना करें। बहुत बार मैंने स्टूडेंट्स को अपनी क्लासेस में देखा है कि वो क्या करेंगे, अपनी बॉडी को नीचे की तरफ नहीं झुकाएंगे और पैर को सिर्फ इतना उठा लेंगे, सिर्फ उतना उठा लेंगे, या कि फिर बॉडी तो बहुत नीचे झुका लेंगे लेकिन पैर को इतना नहीं उठा पाते हैं। तो आपको समझना यह है कि इमेजिन करें कि आपकी बॉडी एक लाठी है, इस तरीके से मैंने ये रॉड रखा है कि ये लाठी है। अब जितना अपर बॉडी नीचे की तरफ जाए उतना ही आपका पैर भी पीछे से उठे इस तरीके से ऐसे,
इस तरीके से ऐसे, और आप सामने देखते रहेंगे इस तरीके से ऐसे, ठीक है ना। अगर आपने जरा सा भी नजरों को इधर उधर हिलाया डुलाया या नीचे देखने लगे तो आप तुरंत गिर जाएंगे या बैलेंस नहीं बना पाएंगे। इसीलिए कभी भी बैलेंसिंग पोस्चर में आपको सामने देखना है, नीचे की तरफ नहीं देखना है। तो इन तीनों पोस्चर का अभ्यास करेंगे, कुछ ही दिनों में बहुत गजब का फोकस कॉन्सेंट्रेशन इम्प्रूव होगा और साथ ही आपकी मेमोरी भी बहुत अच्छी डेवलप होगी। तो देखा आपने कितनी आसानी से मैंने स्टेप बाय स्टेप ये सारे अभ्यास आपको सिखाए। आशा करती हूँ आपको हर एक अभ्यास अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब आप निरंतर योग का अभ्यास जरूर करेंगे। खुद अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके इस परिवार का अटूट हिस्सा बन जाइएगा, और आप इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी फॉरवर्ड कर दीजिए, दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी इस वीडियो से स्वास्थ्य लाभ मिले। अगर आप चाहते हैं कि आपके सजेस्ट किए हुए किसी टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊं तो मुझे नीचे कमेंट करके जल्दी से बताइए ना कि आगे आने वाली वीडियोस कौन से टॉपिक पर होनी चाहिए, मुझे बहुत खुशी होगी। आप सभी अपना ख्याल रखें, अपने परिवार अपने दोस्तों का ख्याल रखें। नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्दी मिलूंगी। नमस्ते।